ऐसा लग रहा था कि 3-4 घंटे क्या करेंगे, बट 2.5 घंटा हो चुका है। अब थोड़ी देर में आई गेस खाना वगैरह आएगा और फिर 1 बजे तो खाली करना है। 4 घंटे के लिए ही बुक हुआ है, भैया का 2 बजे से कोई और बुकिंग है, ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। और हाँ, थोड़ा लोग रिलैक्स जोन में जा चुके हैं, थोड़ा 1 घंटा रिलैक्स करेंगे, खाएंगे पिएंगे और फिर थोड़ी देर में निकलना रहेगा। ओके, वो वाला एरिया लो डिप एरिया है तो ये हम लोग क्रॉस नहीं किए हैं और यहीं से वापस जाना है। थोड़ा सा लेना चाहिए था, भैया काफी स्किल दिखा के यहाँ का पानी का पानी जहाज निकल रहा है मेरे मुंह से। यहाँ पे जंगल झाड़ी में पार्क हो चुका है हम लोग का बोट और अब यहीं पे लंच करना है। क्या बोलते हो नितेश? सही है ना? हाँ, ऐसे ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, जैक स्पैरो के बस का नहीं था तो इसमें स्पेशल स्किल चाहिए था। अब यहाँ ढूंढ के, ओ भैया काफी स्किलफुल है, हो गया गाड़ी पार्क हो गया हम लोग का। चलिए अब लंच टाइम हो गया, बाहर का पर्सपेक्टिव ले रहे हैं नितेश बाबू। यहाँ भैया इस साइड से भी पार्क कर दे रहे हैं ताकि बोट ड्रिफ्ट होके उधर ना चले जाए, समझ रहे हो? नितेश बाबू पूरा जोन में है। और ये है, ये हम लोग के बोट का फ्रंट लुक, गुडविल हॉलीडेज। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अब तक। लंच टाइम हो गया, ये हम लोग का वेज आइटम और ये सैलेड। और क्या क्या बना है भैया? दाल सैलेड, रोटी बन रहा है और चिकन और आलू जीरा, ऑलमोस्ट सब रेडी है, भैया लोग फाइनली प्रिपेयर कर दे रहे हैं और उसके बाद खाया जाए। अब पीछे का माहौल आप लोग को दिखाते हैं, यहीं पे यहाँ से सारा बोट सबको टर्न वन लेना है। तो वन तो खाना पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और सब बस वेट कर रहा है कि ये कब वीडियो बंद करे। तो एक जल्दी से दिखा देते हैं क्या है। चिकन है, दाल है, आलू जीरा है, भिंडी है, सलाद है और अचार है। बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, तुम लोग एकदम चालू कर सकते हो, अनकंफर्टेबल मत होना। वीडियो चालू रहेगा तो नितेश कम पीस लेगा। क्या हो गया? क्या? हाँ, रोटी गर्म हो रहा है, रोटी आने वाला है, ले लो तब तक चिकन वगैरह निकाल लो। काफ़ी टेस्टी लग रहा है सारा खाना, मैं खा के बताता हूँ तक टेस्ट नहीं किया। हाँ सही है, वेरी गुड, वैष्णवी इंसेप्शन। मैंने टेस्ट नहीं किया। कैसा है जेनी? अच्छा यार। हाँ, नितेश अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। गुड जेनी, हाउ इज द फूड? बहुत ही अच्छा था। अभी तक खाना का टेस्ट मुंह में ही है क्या? अच्छा था काफी। चिकन हमको उतना पसंद नहीं आया क्योंकि मीठा मीठा था। हां, लेकिन बाकी दाल, दाल तो बहुत ही, तो दाल चावल और सैलेड ही खाना था। हां, तो वो भैया को जाके बोले कि बहुत अच्छा खाना खा लिए और आई थिंक 20 मिनट बचा हुआ है तो 20 मिनट यहीं पे चिल मारना है। पहले लग रहा था कि एक बेडरूम है, पहले हम लोग को लग रहा था कि एक बेडरूम है बट इसको लेटने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ा। हाँ, तो मतलब अगर उसमें जा सकते हैं तो मतलब ही नहीं हमको लगता है इसमें आने का, मतलब खिड़की खोल सकते हो। हाँ, अगर ज्यादा गर्मी हो गया तो मेरे लिए लंबा अगर है बहुत ज्यादा तो फिर चाहिए होगा। हाँ, अगर रात भर के लिए रुक रहे हो तब। हाँ, ओवरऑल काफी खाना और स्टे काफी सही था। मतलब कल हम लोग जो पहला बुक किए थे 5,000 में, वहाँ डोसा और इडली का लड़ाई हो रहा था कि कितना डोसा देगा कितना इडली देगा 3 घंटे, और वो भी मतलब सवेरे 6 बजे आके, 6 से 9 था तो बहुत ही दिक्कत हो जाता। बट ये वाला बेस्ट था
आई थिंक टाइम के अकॉर्डिंग भी और फूड वाइज और कॉस्ट वाइज भी, तो मिला जुला के इट वॉज टोटली फन, करेक्ट। अब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से रस्सी वस्सी खोल दिया जाए क्या? भोजन करके थोड़ा सा विश्राम कर लिए हम लोग, मेनली नितेश और जिनी, हम तो बैठे हुए थे, और अब बस पहुंच गए हैं यहाँ पे, बोट पार्क करना है और फिर कार उठाना है क्या जिनी? सर दिस वन योर हाउस, योर हाउस ओनली, वेर यू आर पार्किंग, इट्स योर हाउस और समवन एल्स हाउस? योर हाउस, LAB. How much far from here? 15 kilometers. Okay. तो अब हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं, यहीं पे हम लोग अंदर में कार पार्क्ड है और ये बोट पार्किंग एरिया है भैया का, तो बाकी बहुत सारा बोट्स भी यहाँ लगा हुआ है, तो हम लोग का हाउस बोट का जर्नी अब यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अबे उठो, फाइनली डन। अरे वो नहीं हुआ है, राष्ट्रगान गाना था ना तुमको, ए भगवान। बोट वाले भैया गियर लगा के ही भूल गए, और जो भैया उधर रस्सी वस्सी बांध रहे थे वो लोग पैनिक हो गया, हम बोले कैप्टन जैक स्पैरो को पहले ये लोग बताया होता तो अभी तक हम गियर चेंज करना सीख गए होते। ठीक है कोई नहीं, अगली बार के लिए कुछ बाकी रहना चाहिए। अब सामान वगैरह लेते हैं और बस सब प्रस्थान करते हैं बेंगलोर के लिए। सबसे डिफ़िकल्ट टास्क 12 से 14 घंटा का ड्राइव है, तो अब मतलब काफ़ी लगने वाला है लोगों का, देखते हैं। जी नहीं, 12 घंटे का ड्राइव है अब। बस अब जोन में, ड्राइविंग जोन में घुस जाना है और बस अब सीधे बेंगलोर पहुंचेंगे। हाँ रख दो, बोट से उतर गए, अब अपने हवाई जहाज में बैठना है। हे एवन, हम लोग 100 किलोमीटर कवर कर लिए 2 घंटे में, और ये पहला स्टॉपेज है। स्टॉपेज क्या है, मतलब कुछ कॉफ़ी या ऐसे नारियल पानी पीने के लिए रुक गए हम लोग, ठीक ठाक लग रहा है। एक 5 या 10 मिनट का ब्रेक है, चलिए देखते हैं कैसा मिलता है टी कॉफ़ी, और उसके बाद 10 मिनट में हेड आउट करते हैं, फिर से अगला ब्रेक होगा और 100-150 किलोमीटर के बाद। जिनी एंड नितेश ये देख रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी, वैष्णवी को पीना था आइस, नहीं आइस नहीं, कौन सा टी पीना था? कोल्ड कॉफी। अच्छा कोल्ड कॉफी पीना था, जिनी यू आर लाइव, जिनी जिस होटल में बैठी है यहाँ नेहरू जी, गांधी जी और इंदिरा गांधी जी सब कोई कभी आए थे नहीं? और भैया भी एकदम आज़ादी के ड्रेस में आए हुए लग रहे हैं, नहीं दिख रहा है? चलेगा, थोड़ा मोड़ा माफ होता है। अब देखते हैं चाय कॉफ़ी पी लिया जाए, वैष्णवी को कोल्ड कॉफ़ी पीना था बट आज़ादी के समय कोल्ड कॉफ़ी नहीं था वैष्णवी। और हम खुश हो गए थे कि 48 का कोड था, मतलब हाँ ऑप्शंस बहुत सारा दिखा रहा था बट वो यहाँ मैनेजर का ऑफिस भी है, मतलब काफी कूल लग रहा है, मतलब हमको लग रहा है कि यहाँ पहले कुछ होता होगा, नहीं कुछ तो होता होगा। अच्छा इंडियन कॉफी, हाँ हाँ ये सब नंबर वगैरह ठीक है। अच्छा। और ये वैष्णवी का ऑर्डर है और दोनों ही किसी को देने के लिए रेडी नहीं है। नितेश भी उधर वापस कर दिया, ठीक है टच नहीं करेंगे, और नितेश काफी फैसिनेटेड हो गया है।
अच्छा चाय है। सेकंड टी ब्रेक हम लोग का और जिनी और वैष्णवी का चिप्स ब्रेक है। 250 किलोमीटर ऑलमोस्ट कवर हो चुका है और अब जिनी और वैष्णवी का टर्न आएगा कुछ किलोमीटर्स के बाद। और ठीक ठाक जगह है ये भी। हाँ गाइस रेडी, अगला स्टॉप होगा वैष्णवी का एक कॉफी प्लेस, नितेश सेलेक्ट किया है। हाँ सीसीडी। ओह चलो ठीक है, अगला प्लेस मतलब अच्छा है, एक अच्छा कॉफी पिया जाएगा। Hey everyone, so this is our third stoppage. वैष्णवी को कॉफ़ी पीना था सीसीडी का, तो यहाँ रुके हैं और अंदर अभी तक ये लोग ऑर्डर ही कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। और जिनी भी लग रहा है कि कॉम्पिटिशन में ऑर्डर कर रही है कुछ कुछ, और नितेश काफ़ी डीलिंग दे रहा था अंदर। चलिए नितेश से भी बात करें। ये लोग ऑर्डर चल ही रहा है अभी तक, एक वैष्णवी ऑर्डर कर रही है तो जिनी बदला निकालने के लिए, क्योंकि सब शेयर होना है, तो जिनी एक ऑर्डर कर रही है और फिर एक वैष्णवी ऑर्डर कर रही है। काफी कंपटीशन चल रहा है। एक ब्राउनी और एक चिकन ब्रोस्ट। मेरा तो कोल्ड कॉफी ऑलमोस्ट खत्म हो गया और मार चल रहा है, जिनी दोनों में से खाए जा रही है। नहीं हम दोनों में अटैक कर दिए, पता है ना शेयर्ड खाना का एक रूल है कि जितना जल्दी खा सको, ये मेरा रूल है, उतना सोचना नहीं है। तो हम दोनों में से खा लिए और बाकी तीन लोग सोच सोच के खा रहे हैं, अभी तक कुछ बोल नहीं पाए हैं। उसमें से 90% हम ही खाए हैं दोनों में से। हे एवरीवन, हो गया सीसीडी का ट्रिप और सबको ही लग रहा है कि कॉफ़ी पी के नींद से जग गए हैं। और सबसे टेस्टी जिनी का था और इसका लॉस हो गया, वैष्णवी तुम्हारा पी गई ना आधा। टेस्ट करने के लिए मांगी और मतलब आधा पी गई और फिर बट हम बदला चुका लिए, हम भी दूसरों का पी के बदला चुका लिए। और दिनेश सारा वो ब्राउनी और चीज़ के खा गया, किसी को मौका नहीं। तो अब अगला स्टॉपेज
चलो ठीक है कोई नहीं, चीज केक थोड़ा बच गया, अब जिनी परेशान चल रही है। अब अगला स्टॉपेज होगा जहाँ हम लोगों को डिनर कर आराम से चलते हैं, अभी 300 किलोमीटर चलेगा। चलो ठीक है, अब इसके सजेशन को लिया जाएगा पिक्चर में और पेट्रोल भरा लेते हैं वहाँ से। अब मिलते हैं डिनर पर। एक और स्टॉप आ गया है, तुम ले लो जो लेना है। हाँ केरला पराठा ले लो, सही है, ये केरला पराठा बन रहा है। जिनी और वैष्णवी को खाना नहीं है तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं पे सस्ते में काम निपटा लिया जाए। और केरला पराठा और एग भुर्जी, केरला पराठा एग भुर्जी और कॉम्प्लीमेंट्री वेज। हाँ बोल दो। ठीक है भैया, कितना केरला पराठा? हम एक ही खाएंगे, दो केरला पराठा। अब चाय वाय पी लिया जाए और ये लास्ट स्टॉपेज है तो इसके बाद सीधे बेंगलोर ही पहुँचना है। जिनी और वैष्णवी कार में वेट कर रहे हैं और हम लोग बस आगे निकलते हैं 5 मिनट में। तो कितना और 1.5-2 घंटे में पहुँच जाएंगे? नहीं 1.5 घंटा, 3 घंटा और बोल रहे हैं, देखते हैं। 400 किलोमीटर तो हो चुका है वैसे। ये हम लोग का डिनर 70 रुपये में ही निपट जा रहा है दोनों का, चाय के साथ एक एक केरला पराठा, एग भुर्जी और सब्जी मिलेगा और एक चाय। तो सही है, काफ़ी कूल खाना है। और नहीं सब्जी डला गया कोई नहीं, ठीक है ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी टेस्टी खाना लगा और केरला पराठे के ऊपर ही सब्जी मिल गया था, थोड़ा सा अजीब लग रहा था बट काफ़ी टेस्टी था। मैं भी भूख लगा हुआ था इसलिए, और चाय भी काफ़ी अच्छा है। तो 70 रुपये का था बट मतलब शायद CCD से बेटर था। हे अवान, रात का 12:30 बज रहा है, 1 बजने ही वाला है, और सोच रहे थे कि जो लास्ट स्टॉप था वो हम लोग का अब सीधे घर होगा, बट एक जगह और रुकना पड़ा, बर्गर किंग खुला था और यहाँ से कुछ पेप्सी वगैरह ले लिए कि थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक मिल जाए। और लगा के गाड़ी में सो रही है और अब बस थोड़ी देर में यहाँ से भी निकलने वाले हैं, बट अच्छा स्टॉपेज है ये। अभी बेंगलोर से मतलब हमको लगता है कि 60-70 किलोमीटर और दिखा रहा है, तो थोड़ी देर में बस यहाँ से निकलना ही है और अगला कनेक्ट आई थिंक घर से ही होगा। एवरीवन से नितेश डर जाता है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बैंगलोर और नितेश के घर पहुंच चुके हैं। अब ये लोग अपना सामान वामान निकाल के जा रहे हैं। अब एक एक्टिविटी नितेश को करना बाकी है, वो एक्टिविटी बाकी है अभी जो बोलना है। 600 किलोमीटर हम लोग कवर किए एग्जैक्टली 12 घंटा में, 2 बजे निकले थे, अभी यहाँ हो रहा है 1:55, तो ऑलमोस्ट डन। अब यहाँ से ये लोग चले जाएंगे ऊपर और हम लोग चले जाएंगे अपने घर। क्या जिने? बाप रे, एनर्जी दिखा नहीं पा रही है जिने। ठीक है गाइस, LAP कौन बोल रहा है? अबे LAP टैलेंट डस्टेड। गलत हो गया मैं, वो LAP टैलेंट डस्टेड। मुंडी लाके एक्सप्रेशन दिया। ओके गाइस, इट वाज अ लॉट ऑफ फन। अगला टारगेट कुछ सस्पेंस रहेगा। हाँ, साउथ गोवा में भी। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।